और मेरी चटपटी रसोई के चटोरे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वीडियो के स्टार्टिंग देख के ही आप लोग आज तो समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो देखिए, सबको पता है सावन का महीना चल रहा है। सावन का महीना और भोलेनाथ की खीर ना बने, ये तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए फटाफट आज ना अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं, जो है खीर की। देखिए, मैंने एक कटोरी चावल लिया था जिसको मैंने 2 घंटे भिगा के रख दिया था। ये जो चावल हैं ये मोटे चावल होते हैं, जो जिनमें स्टार्च और लेस बहुत अच्छा होता है। इंग्लिश में हम स्टार्च कहते हैं, हिंदी में इसी को हम लेस कहते हैं। इन चावलों को जब हम दूध में पकाते हैं ना, तो इन चावलों से जो खीर बनती है ना, वो और भी ज़्यादा गाढ़ी, मलाई और रसीली बनती है। खीर में डालने के लिए मैंने लिए हैं बादाम, काजू और किशमिश। उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे थोड़ा सा केसर। इन केसर को मैं क्या करूँगी ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। इसके बाद मैंने लिए हैं कुछ इलायची के दाने, जिनको कूट के हम खीर के ऊपर डालेंगे, जिससे खीर का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब मैं एक कढ़ाई गरम करने के लिए रख रही हूँ। इस कढ़ाई को मैंने रख दिया गरम करने के लिए। अब मैंने इसमें डाला 1 कटोरी पानी। जब हम खीर बनाते हैं ना, तो सबसे पहले हम पानी डाल के उसके ऊपर से दूध डालते हैं। इससे क्या होता है ना कि हमारी जो खीर होती है ना, हमारा जो दूध होता है वो नीचे लगता नहीं है। मैंने यहाँ पे 1.5 लीटर फुल क्रीम दूध लिया था और 0.5 लीटर मैंने टोंड का पैकेट लिया था। मैं जब खीर बनाती हूँ तो मैं दोनों दूधों को मिक्स करके ही ज़्यादातर बनाती हूँ। अब ना हम इस दूध को कढ़ा लेंगे। इस दूध को हम हल्का सा गाढ़ा करने के लिए, पकाने के लिए रख देंगे, जिसको हम बोलते हैं कढ़ा हुआ दूध। कड़े हुए दूध की जब आप खीर बनाते हैं ना, तो खीर और भी ज़्यादा मलाईदार बनती है। अब देखिए, मेरा दूध ना गर्म हो चुका था। मैंने आपको बताया था ना हम सैफ्रोन का कुछ करने वाले हैं, तो मैंने इन सैफ्रोन में ना गर्म दूध डाल दिया है। इससे क्या होगा ना, ये जो दूध है ना, सैफ्रोन का जो दूध है, इसको हम एंड में जब खीर में डालेंगे ना, तो खीर का कलर बहुत अच्छा आएगा। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ चावल। मेरा दूध ना हल्का सा पक चुका था, उसके बाद मैंने यहाँ पे जो मेरे चावल भिगा के रखे थे ना, उन चावलों को डाल दिया है। मैं चावल और दूध को ना एक साथ पकाती हूँ, इससे ना चावलों में दूध एकदम अच्छी तरीके से मिल जाता है। अब देखिए, चावल डालने के बाद मैं वापस से दूध को चलाऊंगी, और दूध को इसी तरीके से चलाते हुए ना हमें पकाना है। हमें हर समय दूध को हिलाने की ज़रूरत नहीं है, हम बीच बीच में दूध को चेक करते हुए हिलाते रहेंगे। और जो हमारी खीर है ना, वो मीडियम आँच पर पकेगी। देखिए, आप देख सकते हैं मेरा दूध अब गाढ़ा हो चुका है, मेरा दूध काफ़ी हद तक पक चुका है, और ये हल्का हल्का सा ना कढ़ना शुरू हो चुका है, मतलब गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। यहाँ पे मैं इस दूध में डाल दूँगी चीनी। चीनी को भी मैं कम से कम दूध को 15 मिनट पकाने के बाद डाल देती हूँ। उससे क्या होता है ना, चीनी भी अच्छे से घुल जाती है। यहीं पे मैं ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर दूँगी। ड्राई फ्रूट्स तो मैंने ऐड कर दिए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी खीर पक चुकी है। इसके बाद अभी मैं दूध को थोड़ी देर और पकाऊँगी। इस खीर को बनने के लिए ना दोस्तों, कम से कम 1/2 घंटा लगता है। अगर आधे घंटे आप मीडियम आंच पे खीर को अच्छे से पकाएंगे ना, तो खीर बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। अब देखिए, अब मैंने क्या किया ना, वो जो केसर था ना, जिसका दूध हमने बना के रखा था, उसको अब मैंने खीर में डाल दिया। इससे ना हमारे खीर में कलर और भी ज़्यादा अच्छा आएगा, और हमारी खीर स्वाद में भी बढ़ जाएगी और कलर दिखने में भी अच्छा हो जाएगा। देखिए, इस तरीके से मैं बीच बीच में आके अपनी कड़छी चला रही थी खीर में। अब देखिए, हाँ, मेरी खीर आप अगर देख सकते हैं ना, मेरी खीर एकदम गाढ़ी हो चुकी है और एकदम पक चुकी है। अब एंड में मैंने यहाँ पे इलायची का दाना ऐड कर दिया, इससे हमारी खीर का टेस्ट भी और हमारी खीर की खुशबू बहुत बढ़ जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, मेरी खीर तो हो चुकी है तैयार। इस खीर को पकने में लगे थे पूरे 1/2 घंटे। 1/2 घंटे जब मैंने दूध को अच्छे से पकाया, तब मेरी ये खीर बनी है। आप देख सकते हैं, खीर एकदम गाढ़ी बनी है। दूध और चावल एकदम प्रॉपर तरीके से मिल चुके हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि दूध और चावल अलग अलग हैं। नेक्स्ट रेसिपी के लिए मिलते हैं। बाय बाय।